पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरे भारत में त्राहिमाम हो चुकी है बाढ़ को लेकर के। बात करें बिहार के भोजपुर से आरा सदर प्रखंड अंतर्गत जो गांव बसे हुए हैं, जो बढ़हरा प्रखंड में हैं, वो भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। और भी बहुत सारे प्रखंड जो बाढ़ की चपेट में बुरी तरह से आ चुके हैं। वहाँ के लोगों की बात करें तो खाने पीने की और पशुओं के चारे की भी बहुत दिक्कत आ चुकी है। ऐसे में हम आपकी बात कराएंगे वहाँ के लोगों से, स्थानीय लोगों से, कि आखिर उनका क्या मानना है, किस तरह की परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। घर में पूरा पानी घुस गई बा, कैसे रहत नहीं? कैसे रही है देखते बनी बड़ी हालत खराब बनी जा। ऊपर एसी ही लगा के आदमी चहता रहता। मवेशी के बहुत ज्यादा। मवेशी के कैसे व्यवस्था मिलल बा? कहाँ रख ले बनी? कहाँ मिलल बा? उन्हें रोड पर ले गुल बनी जा। ऊंच जमीन देख के वो जे आदमी रहता। चारा के व्यवस्था? चारा कहाँ बा? वो तो गाड़ी से कल्हाई लेबर कैबो ना करी किन किन के खियावता। मांग करो कि सहयोग सरकार करे किसान के। अब दूसर कौन हमी के नौकरी से करी बा कि वो पर आधारित बनी जाए। खेत वगैरह भी डूबल बा? हाँ, सारा सब्जी उब्जी बोले रहें जा सब डूब के खत्म। वही पासित रहे? हाँ हाँ, कोनो नौकरी चाकरी नहीं थे। पाँच गो बालो बच्चा है, सब्जी के गिरहती रहे सब डूब गए। परिचय अपन बता दी। हम शंकर यादव, घराम गुंडी। बाढ़ आया हुआ है आपके पंचायत में, क्या क्या जान माल और क्या क्या चीजों की हानि हुई है? मछली पालन के 7-8 लाख के आसपास मछली जो है दह गया है। आपने सूचना दिया था जिला प्रशासन या किसी को? हाँ जी दिया था। कुछ सुविधा मिला उन लोगों की तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। और क्या क्या खेती बाड़ी भी किए थे आप? नहीं, खेती बाड़ी तो नहीं था, मछली पालन ही। हाँ, मछली पालन ही था। और कोई सुविधा नहीं मिला है? नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला है। नाम क्या हुआ आपका? विजय किशोर सिंह। गुड़ी बेस्टोला जी। सर, उसको दिखवा लेते हैं। और कुछ जगह में जो विस्थापित हुआ है लोग, शिवपुर और धान राय के टोला में, जी जी ठीक है सर, हम उसको चेकलिस्ट तैयार करके भेजते हैं। ओके सर, ठीक है सर। क्या क्या नुकसान हुआ है? किस पूरा फसल ही नुकसान हो गया। पूरा सब्जी का खेती होता है इधर, धान का खेती था, पूरा नुकसान हो गया। अब पानी का बहाव भी बहुत तेज है, अभी और भी ज्यादा बढ़ने का। हाँ, और भी ज्यादा बढ़ने का चांस है। पूरा सब कुछ गेरू माल सब कुछ का दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है। सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? सरकार से मांग यही करेंगे, पहले तो नाव का व्यवस्था हो, कहीं जाने आने का सब रास्ता बंद हो गया है, और उसको बाढ़ ग्रसित घोषित करे, मुआवजा दे जो फसल नुकसान हुआ है उसका। जैसे दुर्घटना वगैरह को लेकर क्या युवा है यहाँ पे पंचायत में, लोगों को, बच्चों को किस प्रकार? हम लोग तो देखिए अब दूसरा तो कोई काम नहीं रहा, इधर से उधर बस यही देखते रहते हैं, कहीं अनहोनी ना हो। छोटे छोटे बच्चों को इधर उधर घूमते रहते हैं हम लोग, बाकी आने जाने का तो कहीं से रास्ता सब बंद हो गया है। परिचय अपना बता दीजिए। मेरा नाम है शशि शंकर दुबे। सब फसल दवा बोली सर। क्या क्या खेती कर रहे हो? अरे मिर्चा के, बैगन के, नेनुआ के, लौका के, सब नुकसान हो गया, सब पानी भर गया। सरकार से कुछ मांग करनी है? कुछ अभी हम लोग क्या मांग करेंगे, अब मुखिया लोग करेंगे, हम लोग कहाँ ब्लॉक में जाने का है, रास्ता नहीं है, कुछ नहीं है, तो कहाँ जाएंगे, कोई जानता है? घर वगैरह मवेशी वगैरह के लिए व्यवस्था?
मवासी वासी के लिए यही रोड पर रहेंगे, जहाँ ऊंच है भरा है वो टेंट लगा कर रहेंगे, क्या करेंगे रात भर? चारा की व्यवस्था रखे हैं या करना पड़ेगा? चारा की व्यवस्था कहाँ रखे हैं, कहीं से ले आएंगे, खरीद के आता है, बेचने वेचने तो आएगा। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू यादव।